हेलो फ्रेंड, टुडे इज संडे इवनिंग, सो गुड इवनिंग। एंड जैसा कि मैंने आपको संडे वाली शॉपिंग वीडियो में बताया था कि रास्ते में मैंने खेतों में से कॉलीफ्लावर पिकअप किए हैं, तो ये वही वीडियो है। एक्चुअली ये खेत हमारे नहीं हैं, जो ये मुझे तोड़ के दे रहे हैं कॉलीफ्लावर, ये उनके खेत हैं, बट ये हमारी कॉलेज के पास हैं तो सब हमें जानते हैं यहाँ पर। और मैं मस्ती कर रही हूँ बच्चों की तरह इस खेत में, क्योंकि आप पीछे का जो व्यू है खेतों का देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है। तो अब आ चुके हैं हम लोग घर पे और अभी बज रहे हैं शाम के 6:30। तो बस अब मैं सोच रही हूँ कि डिनर में क्या बनाऊँ। तो एक्चुअली जब हम रास्ते में आ रहे थे तो हम गए थे अपनी कॉलेज के पास, तो वहाँ खेतों में बहुत अच्छी अच्छी गोभी लगी थी। तो आज मैंने फर्स्ट टाइम है ना खेत में से इस तरह से किसी और के खेत में से तोड़ी। हमने उनसे पूछ लिया था, एक्चुअली उन्हीं ने मुझे तोड़ के दी। तो बस मैं ये सोच रही हूँ कि मैं आज उन फ्रेश गोभी बनाती हूँ। या तो मैं वह गोभी की सब्जी बनाऊँगी या तो फिर मैं बनाऊँगी इसके पराठे, क्योंकि यार जब मैंने पता है उसे जब कच्ची खाई ना तो भी वो इतनी मीठी लग रही थी ना, रियल यार गांव में रहने का कुछ तो फ़ायदा है। और मेरी लाइफ तो ना गाँव की है ना शहर की है, दोनों के बीच झूलती हुई लाइफ है, बट चलो इस लाइफ को भी इंजॉय करते हैं। और रियली गाइस गोभी बहुत अच्छी थी, इतनी मीठी लग रही थी खाने में। तो फिर अगर उसकी फ्रेश गोभी की सब्जी बनाएंगे या पराठे बनाएंगे तो उनका तो टेस्ट ही कुछ अलग होगा। तो बस सोचती हूँ कि मैं सब्जी बनाऊँ कि मैं गोभी मैं पराठे बनाऊँ, तो देखते हैं हस्बैंड आएंगे तो डिसाइड करते हैं। और जो भी बनाऊँगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने क्या बनाया है। तो बस अब मैं चलती हूँ किचन की ओर। अब बताओ आज का खाना कौन बना रहा है? आरू और मम्मा थोड़ी ना, आरू मम्मा और ये नीचे खड़ा ये एक और ये रहा है, सब बना रहे हैं। मैं तो बना रही नहीं, मैं तो देख रही हूँ। तो फिर आप यहाँ पे क्यों बैठे हो मुझे बताओ? तो आप मुझे काम का करवा रही हो। काम करने लायक हो गया मेरे को लिपस्टिक लग गई ना जी मैं यहीं पे बैठना है ना मम्मी ये बस। आज आरू देख रही है कि वो मम्मी उसकी कैसे खाना बनाती है, तो वो भी सीख रही है। आरू क्या बनाने की मम्मी? गोभी के पराठे। हाँ तो आरू बनाना सीखती है गोभी के पराठे, फिर आरू रेसिपी डाला करेगी, सबको बताया करेगी। पराठों का बेस्ट कॉम्बिनेशन है चटनी, तो यहाँ चटनी के लिए लिए हैं मैंने हरे धनिया, 2 हरी मिर्च और टमाटर। मैं चटनी को ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना चाहती, और यहाँ मैंने ऐड किया है भुना हुआ जीरा, होममेड जीरा जैसे कि मैं घर पे भूनती हूँ, और थोड़ा सा सॉल्ट, बिकॉज़ मैंने 2 ग्रीन चिल्ली पहले से ही ऐड कर दी थी, तो मैं रेड चिल्ली भी इसमें ऐड नहीं कर रही और कोई गरम मसाला भी नहीं। बस मैं इसे इसी तरह से पीस लूँगी। और यहाँ मैंने ली है कढ़ाई जिसमें डाला है मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल, और ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि मुझे जो कॉलीफ्लावर में खेतों में से लाई थी उससे मैंने कद्दूकस भी कर लिया है। यहाँ मैंने ली है 2 मीडियम साइज़ की अनियन फाइन चॉप कर ली है, और लिए हैं मैंने कुछ कोरिएंडर। तो बस अब यहाँ पर मैं जब तेल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें जीरा ऐड कर दूँगी, और जीरा मैंने थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डाला है क्योंकि मुझे जीरे का फ्लेवर बहुत पसंद है। बस जीरा क्रैक हो जाएगा तो मैं इसमें अनियन डाल दूँगी, और अनियन को भी मुझे ज़्यादा हाई फ्लेम पे भी नहीं पकाना, ज़्यादा भी नहीं पकाना है, लो फ्लेम पे थोड़ा थोड़ा ही पकाऊंगी, बिकॉज़ मुझे इन्हें ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। और जो मैंने कॉलीफ्लावर कद्दूकस करके रखा था मैं उसे ऐड कर दूंगी। एक्चुअली ये वही खेतों का फ्रेश गोभी है, तो बस मैंने उसे यहाँ ऐड कर दिया है और बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दूंगी ताकि अनियन ऑयल सारा इनके अंदर मिक्स हो जाए। और यहाँ अब मैं ऐड कर दूंगी नमक, स्वाद अनुसार लेना है वो आपको, एंड धनिया पाउडर थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डाल दिया है मैंने, एंड हल्दी पाउडर, और मैं बहुत ही कम इसमें यूज़ करने वाली हूँ रेड चिल्ली पाउडर, क्योंकि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं चाहती हूँ कि वो खाना अगर खाते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, और वो बहुत ही अच्छे से खाने को इंजॉय कर पाएँ, उसे खा पाएँ। इसीलिए मैं थोड़ा चिली या फिर गरम मसाला है मैंने थोड़ा कम ही डाला है। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट डाल सकते हैं, और ग्रीन चिली को मिक्सी में पीस के फिर डाल सकते हैं, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और यहाँ मैंने डाला है अमचूर पाउडर, थोड़ा सा ही डाला है मैंने, ज़्यादा नहीं डाला कि खट्टा फ्लेवर हो जाए इसका। तो बस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाइए, जितना आप स्पाइसी खाते हैं उस अकॉर्डिंग से स्पाइस डालिए, गरम मसाला डालिए तो और भी अच्छा लगता है। हम नहीं खाते इसलिए मैंने नहीं डाला है। और यहाँ मैंने डाल दिए हैं कोरिएंडर लीव्स,
क्योंकि इनकी जो महक होती है वो तो खाने को और भी लजीज बना देती है। तो बस मेरी जो स्टफिंग ये रेडी हो गई है, हमने इसे ज़्यादा नहीं पकाया है, तो अब मैं इसे थाली में ट्रांसफ़र कर लूँगी ताकि ये ठंडी हो जाए। और साइड में मैं लगा लूँगी अपने पराठों के लिए आटा, तो आटे में मैंने डाला है सॉल्ट एंड ऑयल और बस एक डो रेडी कर लूँगी मैं। तो बस मेरा आटा भी लग गया है, अब मैं फटाफट से बना लूँगी बच्चों के लिए पराठे क्योंकि बच्चों को लग रही है भूख अब। तो बस यहाँ पर मैंने आटे की एक लोई ली है, उसे हल्का सा बेल के एक कटोरी के शेप में बना लिया है और बस अपनी जो स्टफिंग मेरी है उसे मैं अच्छे से फिल कर दूँगी। आप देख सकते हैं मैं फिंगर की हेल्प से इन्हें दबाते हुए भर रही हूँ। इस तरह से अगर पराठे बनाते हैं तो आपका पराठा एक तो फटेगा नहीं, आपकी स्टफिंग भी काफ़ी अच्छी इक्वल मात्रा में चारों तरफ फैल जाती है और सबसे बेटर कि जॉइंट्स नहीं आते, और अगर पराठे में जॉइंट्स नहीं आएंगे तो उसके फटने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो बस पराठे को मैं साइड से बेलते हुए बनाऊंगी, बीच में नहीं बेलूंगी। अगर हम साइड से बेलते हुए बनाते हैं तो पराठा फटता नहीं है, स्टफिंग बाहर नहीं आती है। आप देख सकते हैं कि स्टफिंग अच्छी से झलक रही है पराठों में से बट बाहर नहीं आ रही। तो इस तरह से पराठे बनते हैं, तो वो क्या है कि जितने अच्छे देखने में लगते हैं उतने ही अच्छे खाने में लगते हैं, और पराठों के अंदर आटा और स्टफिंग दोनों की क्वांटिटी इक्वल होती है, तो ना ही आपको सब्जी का फ्लेवर आएगा ज़्यादा और ना ही आपको आटे का फ्लेवर ज़्यादा आएगा, दोनों का फ्लेवर इक्वल मात्रा में मिलेगा तो उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो बस सारे पराठे मैं इसी तरह कटोरी की तरह बनाते हुए बना लूँगी ताकि इनमें ज़्यादा जॉइंट्स ना आए, मेरे पराठे फटे ना। और गाइस इस तरह से पराठे बनाते हैं तो आपके पराठे बहुत ही क्रिस्पी भी बनते हैं और फूलते भी हैं। तो बस यहाँ मैं थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। और मेरे पराठे अभी फूले फूले पराठे रेडी हैं, आप देख सकते हैं कितना अच्छा पराठा बना है ये। और जितना हो सके पराठे या रोटी आप जो आयरन के जो ये ठेलों पे मिलते हैं इस टाइप के तवे में बनाएं तो इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, न कि नॉन स्टिकी में। और बस मुझे तो इन आयरन तवे पर ही इनका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं हमेशा इन्हें इस पर ही बनाती हूँ। तो बस मैं इसी तरह अपने सारे पराठे बना लूँगी। बस अब पराठों की जो किनारियां हैं उसे थोड़ा सा दबाते दबाते बनाइए ताकि वो कच्ची ना रह जाएं। एंड गाइस ये है आज का मेरा खाना, देख सकते हैं आप। बिल्कुल देसी स्टाइल का खाना है, गोभी के पराठे, मूली, नींबू का अचार, हरे धने की चटनियाँ, सॉरी हरे धनिया की चटनी एंड गुड़, क्योंकि विंटर में हम लोग गुड़ खाते हैं और खाना भी चाहिए, शरीर में थोड़ी गर्मी आती है। तो मैं हम चलते हैं डिनर करने, एक्चुअली बच्चे भी खा चुके हैं, हस्बैंड भी खा चुके हैं, बस अब मैं रह गई थी तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपसे शेयर करती हूँ आज आप मैंने क्या बनाया है। तो बस खाना खाती हूँ और मैं आज का अपना ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। सो बाय बाय।